सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शेरा वाली राम भोल सांझे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड श्लोके दुर्गा शिवोवाच। देवी त्वं भक्त सुरवे सर्वकार्य विदायने करोहि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बः सुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्य देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनाम विजेतांसि देवी भगवती हसा बलाशाकृष्य मोहाय महामाया प्रयश्यते। दुर्गे स्मिता हर्षवीर्यमशेषयन्तः स्वस्तिः स्मिता मतिमतीव शुभां ददांसि। दारिद्र्य दुःख वयहारिणिका स्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्द परित्राण परायणे सर्वस्यादि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगा न शेषान महांश दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नरानां त्वामाश्रिताया शयतां पयन्ति सर्वाभादा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कायम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने जस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रेता भवे सति। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महादपा मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्या सत्यानन्द स्वरूपिणी अनन्ता भाविणी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बर परिधाना करमञ्जे रञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरी वन दुर्गा च मातङ्गी मतङ्ग मणिपूजिता
ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाग्रहे विमलोत कृष्णे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हरिणी महिषासुरमर्दिनी मधुकेतव हन्ती च चण्डमण्डा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्य धारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी जैक कन्या च केशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदयी मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया यलोधरी शिवधूती कराली च आनन्दा परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्रि प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जायितं प्रपदे नित्यं दुर्गा नाम सदाष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुसञ्जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्दे लभेर्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा दूध्यत्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्परया भक्ता पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्वभे देवी सर्वे हि सुरवरैरपि राजानो दासतां जान्ति राज्याश्रयवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुङ्गुमेन सिन्धूरकर्पूरमदोत्तरेण विलिख्ययन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धारयते पुरारिः भौमा भाष्यानि सामग्रे चन्द्रे सद्विषां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं सावभे संवदां वदा ॐ। प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सभी भक्तजनों का माँ भवती जगत जननी वैष्णो देवी जी के दरबार में अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस समय इस पवित्र गुफा में पूज्य पुजारी जी द्वारा पिंडियों के रूप में विराजमान माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी की पंचामृत से और वैदिक मंत्रों द्वारा शोषोपचार विधि से पूजा की जा रही है। इस समय मनुष्य ही नहीं अपितु देवतागण भी अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं और करवध होकर माँ भगवती की स्तुति करते हैं। अतः आप सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि आप अपना ध्यान माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी के चरणों में ले जाएं और भक्ति भाव से इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्यः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिगबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यते सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्यचिदाख्यातं तन्मे भूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्या सुखवदं पुण्यं दर्शनेश्व महामणे प्रथमं जलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्मादेति यदोदकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रि च नवदुर्गः प्रकीर्तिता। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम् अग्निना देयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विश्वमे दुर्गमे चैव व्यातः शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशोमरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि
ज्यस्तुवद्यास्मिधानो नाम तेषां वृद्धि पयायते जे त्वां समृन्दि देवेशि रज्जसे दान संशयः प्रेत संसातु चामुण्डा वाराहि महिषासना इन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी विश्ववाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता एतेषा मातरः सर्वः सर्वयोग समन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिफलं च मुसलायतम् खेटकं दोमरं देव परशुं पाशमेव च कुण्ठायुधं दृशोरं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय वक्त्रानाम् अभयाय च दारिन्द्रायुधानेदं देवानां च हिताय वै नमस्ते तो महारौद्रे महागौरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि सुष्टेशे शत्रुणां भयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रि अग्नियामग्निदेवता दक्षिणे वदुहाराहि नैत्यां खड्गधारणे प्रदीच्यां वादुरीरज्जे वायव्या मृगवाहिनी उदीच्यां वादु कौमारी एजानां शोधधारणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रज्जे अधस्ता वैष्णवी तथा एवं दजनिशो रज्जे जामण्डा शववाहना जयामे जागृतः पादो भिया पादो पृष्ठतः आशिता वाम भाषेतो तज्जनेजा पराजिता शिखा मध्योदने रज्जे उमा मोदने व्यवस्थिता मानादरे दधाते च भव रक्षे यशस्वने त्रिनेन्द्रा च भुवर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शर्पणे जग्जुषोर्मध्ये श्रोतयोद्धारवासने कपोलोकानिकारज्ये कर्णमोदे दशाङ्गने नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च जर्जिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वते गङ्गा रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकाञ्चित् घण्टा च महामाया च दालुके कामाधीजपकं रज्जे वाजं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां वज्रकाली च पृष्ठभञ्जे धनोदरे नीलग्रीवापरे कण्ठे नलिकानलको भरे सदन्त्यो खड्गने रज्जे बाहु मे वज्रधारणे हस्त्यो दण्डने रज्जे अम्बिका च गणेश च नखाञ्जुरेश्वरे रज्जे ध्वज रज्जे गणेश्वरे स्तनौरज्ञे महादेवी मनाशोकविनाशने हृदये ललिता देवी उदरेषु लदारणि नभौ च कामनि रज्जे गुह्यं गुह्येश्वरे तथा भूतना कामि कामेदं हृदे महेशवाहने कर्ट्यां भगवते रज्जे यानुणि विन्ध्यवासने जङ्गे महावधारज्ञे सर्वकामप्रदायने गुल्पयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे ददेजसे पादाङ्गुलेषु धीरज्ये पादादस्तलवासिने नखाष्टकराणि च केषां देवतकेशने रोमकोपेषु गोभेरे सुसंभागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासनस्ति मेधान्ति पार्वते अण्डानि कालरात्रि च पिद्धं च मुकटेश्वरे पद्मावती पदं कोशे कवे ज्वरामणिस्तदा ज्वालामकेन खज्ज्वालाय वेद्या सर्वसन्दृश शुक्रं ब्रह्माणि मे रजेधायं सत्येश्वरे तथा हङ्कारं मनो बुद्धि रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापान तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ताय मे रज्जे पानं कल्याणशोभना रसे लोपे च गन्धे च शब्दे स्वस्ये च योगणि सत्त्वं रयस्तमस्यैव रक्षे नारायणे सदा आशु रक्षतु नाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवे जशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च जक्कनीं गोत्रमिन्धानि मे रज्जे पशो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षेण महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु वैरवीं पन्थानां सुबलारज्ञे मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं जयस्थानं भजितं कवचेन
तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ते पापनाशिनी पथमेकं न गच्छेदो यदि शेषुवात्मनः वचेनामृतो नित्यं यद्देहद्देव गच्छति तत्तद्दलावश्च विहासावगामिकः जन्मन्द्रियते कामं तन्त्रं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मधुरां प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो यायते मध्यः सङ्ग्रामे च पलायितः त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनापितापमान् इदं दूतेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जहपटे त्रयो नित्यं ते सद्यं सद्ययामितः देवी कला भवेदस्य त्रिलोके च पलायितः जीवेव सुनुतां सङ्ग्रामपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्दीव्यादयः सर्वे नुता विस्फोटकादयः सहवरं जङ्गमं देवा कृत्रिमं जाविषाम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्द्राणि भूतले भूषः केजः सेव यलया चोपदेशिका सहजागृया माला राघनी शाकनी तदा अन्तरिचरा गौरा राघिन्यश्च महावरा ग्रहभूतपिशाचार्य यक्षगन्धर्वराजसा ब्रह्मराजस्य वेदारः कुष्माणा वेदवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचेः संस्थिते मनोनि देव वैराग्यस्तेजो वृद्धिकलम्बरम् जसावर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितबोधरे जपे सत्सदीं चण्डीं कृत्वा लोकवचं पुरा जापतो मण्डलं दद्ये शशरवनकाननम् तापतिष्ठति मे दिन्या सन्दधे पुत्रपोतृके देहान्ते परमं स्थान यस्वरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्य महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोर्षिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवताम् श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशति पाठागतेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्गण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकारी वज्रकाली कपालिनि दुर्गाशमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्ते मधुकेतव विद्यावि विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्षबीजावदे देवि चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशम्भस्य सम्रायस्य च मर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्गे वे देवि सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्तरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नदेभ्यः सर्वथा भक्त्या जन्निके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुभद्यो भक्तिभोर्वान्द्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं जेतोमचयन्ति अवक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमासुरम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वदेहि दूषितं नाशं वदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वदेहि देवि कल्याणं वदेहि परमाशियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरत्नानि कृष्णजन्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्दं यशस्वन्दं लक्ष्मीवन्दं जनं करो
रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य सर्वज्ञे जन्यकय प्रणदाय मे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि जशो भजय जधो भद्र संदुदे परमेश्वरि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी स्वस्य भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुधानाद संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि इन्द्राणी पति सद्भाव बोधिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड धोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनादामा दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोहरमां देहि मनोभृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठे द्वादो महास्तोत्रं पठे नरः सहतो सप्तसते संज्ञा परमापनोति संवदाम् ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः अनुष्टवशन्दः श्रीमहासरस्वती देवताम् श्रीशगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्खण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाददारिणे सर्वमेव द्वयानीय मन्त्राणामवगीरकम् सोऽपि देवम् वाप्नोति सततम् व्याप्य तत्परः सिद्धम् दुजाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुफलाम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्रोनौषधम् दत्तराङ्गेन्द्रेण विभिद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारिणादिकम् समग्नान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्काविमामरः एवा निमन्त्रयामास सर्वमेव विदं शिवाम् स्तोत्रम् वेजण्डिकायतो तद्वगुप्तम् जगार सः समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथावनियन्त्रणाम् सोऽपि सेवम् वाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वाचतो दशदामष्टम्यामासमाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशापसेदति एकमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिषीणाम् विधायेन नित्यम् जपति संस्मृतम् सा सिद्धागनासोऽपि गन्धर्भो यायते नरः न चैववशत्तस्य वयम् कापि हयायते नाम मृत्युपशम् जाति मिदो मोक्षापवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्य देवदेः सौभाग्यादि यत्किञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्याभिलम् शुभम् सनेस्तो याप्यमानेऽस्मि सोते सम्पत्तिरुच्चकैः भवच्चैव समग्रावि ततः प्रारभ्यमेव तत् एषयम् जत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्यसम्पदः शत्रुहाणि परो मोक्षः श्रूयते सानकेम् जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दनी स्तोत्रम् ऐखिरिनन्दिनि नन्दिनि नन्दनुते Thank you.
Oh, my God.
सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 28 निकाल लीजिए। श्री भगवती स्तोत्रम जय भगवती देवी नमो वंदे जय पाप विनाशिनी बहुबलने जय क्षमापण स्तोत्र नवादतं देवे धरणमपि भूय
पुस्तक आपके बीच में वितरित की गई, इसमें से पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना ही। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रानि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽयमिति मामत्वं क्षमस्व परमेश्वरि। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां निह न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्तोजितं मया देवि परिपूर्णं ददस्तु मे। अपराध यदं कृ
कृत्वा जगदम्बे तुजो जरेत जाम गलिं समभापनोते नाताम ब्रह्मादयः सुरा सापनार्दस्मे शरणं प्राप स्वां जगदम्बिके इदाने मलकं व्योहं यदेशसे कथा कुरु अज्ञानादिस्मृतेर्वाञ्छाम् कृताम् तत्सर्वम् शम्यताम् देवीम् प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः प्रसिदानन्दवे गृहे ध्यानचाभिमाम् प्रेत्य प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोपेताम् ध्यानास्मद्गिराम् जपाम् सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सचिन जोतन बली माता तेरे सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरे सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरे सदा ही जय बोल सच्ची धर्मारे की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे बंधु माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस माँ भगवती जगजन्य के शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना करते हैं माँ की अर्चना करते हैं माँ की पूजा करते हैं माँ का ध्यान करते हैं माँ का स्मरण करते हैं माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निज रूप से माँ के चरणों में अपना मस्त झुकाते नतमस्त होते ही इस माँ जगजन्य जगत माता की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन वह साधक जन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होती है दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनके अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन को कर्म करते हुए इस मजगजन्य मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं तो माँ की पूजा माँ की आराधना जो है इस सब ओर से कल्याण को देने वाली है समस्त सुखों को देने वाली है जी कष्टों को दुखों को दूर करने वाली है और जो भी भक्तजन भगवती के शरणागत होकर के माँ भगवती से प्रार्थना करता है माँ उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती उन्हें आशीर्वाद देती है जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं तो प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है तो भक्तजन जो है इस समय नवरात्र चल रहे हैं वासांतिक नवरात्र जो है वासांतिक नवरात्र का आज तृतीय नवरात्र है तृतीय नवरात्र के सब अवसर पर जो है आप सभी भक्तों को और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बोध बधाई और माँ भगवती की ओर से भरतापन
आशीर्वाद माँ भगवती आप सब भक्तों का कल्याण करे, आप सबका मंगल करे। माँ भगवती के जो नौ रूप हैं उन नौ रूप में आज तीसरा रूप जो है माँ भगवती चंद्रघंटा का है। ये चंद्रघंटा देवी जो है जिसके मस्तक पर जो है चंद्रमा के सदृश जो है जैसे घंटे का कार्य है अर्धचंद्र बना हुआ है, घंटे के कार का अर्धचंद्र जज बना हुआ है और इसीलिए इनको चंद्र घंटा कहा गया है। इनके 10 हाथ हैं और जिस सिंह पर विराजमान हैं सभी आयुधों से अस्त्र शस्त्र जो विभूषित जय भगवती जो है सदा सर्वदा युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं। और इनका स्वरूप जो है आज के दिन स्वरूप का जो ध्यान करते हैं जे परम शांतिदायक है, जे शांति को देने वाला है, जे कल्याण को देने वाला है। और इस प्रकार भगवती जो है इस सिंह पर विराजमान है। इस माँ भगवती चंद्र घंटा का उपासक जो है वह माँ के सिंह की तरह जो है इस प्रकार पराक्रमी होता है और जहाँ भी जाता है सर्वत्र जो है उसे कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, वह विजय को प्राप्त होता है और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। तो जय भगवती माँ चंद्र घंटा जो है यह सब ओर से कल्याण को देने वाली ही, सुखों को देने वाली ही, जो सद्या फलदायी ही। और आज के दिन जो है साधक जन जो है अपने मन को मणिपुर चक्र में जो है स्थित कर करके माँ चंद्र घंटा का ध्यान करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, माँ की विशेष कृपा माँ का आशीर्वाद जो है जो प्राप्त करने के लिए बोलो सच्चे दरबार की जय। तो शंकराचार्य जी ने भी माँ भगवती की स्तुति करते हुए माँ से प्रार्थना जो है इस प्रकार से की ही। अन्य देव देवता जो है इस शक्ति उपासना करते हैं क्योंकि शक्ति के बिना जो है संसार के पत्थर जो है हिल डुल नहीं सकता। इस माँ भगवती आदि शक्ति से ही जब साधु शक्ति संपन्न होते हैं तो वह जिस जिस कार्य के लिए अग्रसर होते हैं उन कार्य में उन्हें सफलता मिलती है। और जब जब भगवती जो है इसकी कृपा नहीं होती है तब जो है कितना भी वह प्रयत्न करता है परिश्रम करते हैं परंतु उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देवी की जब कृपा होती है असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और जब जो भगवती जो है विमुख हो जाती है तो तब तो संभव भी असंभव हो जाता है। शंकराचार्य जी ने भी माँ भगवती स्तुति करते इस प्रकार से माँ से प्रार्थना की ही। और प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। और शंकराचार्य जी को माँ के साक्षात दर्शन हुए थे। जे माँ और बेटे की जे आपस में जो है आमने सामने की बात है जिस समय शंकराचार्य जी ने स्तुति की थी, कह रहे थे कि शंकराचार्य जी माँ की स्तुति करते माँ से प्रार्थना करते हुए माँ से कह रहे कि माँ न मंत्रम न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाहवानं धनं तदपि च न जाने स्तुति कथं न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मात्वस् तदनु शरणं क्लेशहरणम्। शंकराचार्य जी माँ से कह रहे कि माँ मैं कोई मंत्र नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, ना कोई मंत्र आते हैं ना यंत्र आता है ना आपकी स्तुति करना आती है और आपका ध्यान करना भी नहीं आता, आपको बुलाना भी नहीं आता, मैं कैसे और किस विधि से आपको बुलाऊं और इस प्रकार से आपकी कथा की भी मुझे कोई जानकारी नहीं है और तुम्हारी मुद्रा भी जो है मैं नहीं जानता और ना मुझे जो है व्याकुल होकर के इस प्रकार से विलाप करना आता है। तो कहते जब आता ही कुछ नहीं तो आता क्या है। शंकराचार्य कहते हैं परम जाने मातस तदनु शरणं क्लेश शरणं। माँ बस मैं एक बात जानता हूँ तेरी शरणागति, जो तेरी शरणागत हो जाते हैं माँ तेरी शरणागति ही सब क्लेशों का हरण करने वाली है, सब दुखों का नाश करने वाली है और सुखों को देने वाली है। इस प्रकार से माँ भगवती एकमात्र मैं यही जानता हूँ कि जो आपके शरणागत हो जाते हैं आप उनकी सदा सर्वदा रक्षा करते हैं, उसके से दुख दरिद्र जो है वे दूर होते हैं। विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेन लसतया विधेय शक्यत्वा तव चरणयोजा चतुर्भो तदेतत्क्षन्तभ्यं जननी सकलो धारिणी शिव गोपोत्र
क्वचित को माता न भवति। हे माँ, सबका उद्धार करने वाले, सबका कल्याण करने वाले कल्याणमयी माता, मैं पूजन की विधि नहीं जानता और जो है मेरे पास जो है धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझ से जो है ठीक ठीक प्रकार से पूजा का संपादन भी जो है नहीं हो पाता है। ठीक विधि विधान से मैं आपकी पूजा भी नहीं कर सकता हूँ और इस सब पर जो है इस प्रकार से इन कारणों से तुम्हारे चरणों की जो है सेवा में भी जो त्रुटि, किसी प्रकार की त्रुटि जो हो गई हो उसे आप माँ क्षमा करना, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं और इन कारणों से जो है यदि कोई आपकी पूजा में आपकी आराधना में त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र जात कुछ कुमातना भक्ति भक्ति पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं होती, माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता है। पृथ्वीभ्यां पुत्रास्ते जननी भवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्याजः समुचितमिदं नो तव शिव कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि को माता न भवति। हे माँ, इस पृथ्वी पर जो है तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत सारे हैं, परंतु उन सब में जो है अत्यंत चपल बालक जो है तुम्हारा जी मैं हूँ, बहुत चपल बालक हूँ। और हे माँ, मेरे जैसा चंचल और बिरला ही इस प्रकार से होगा, फिर भी हे माँ मेरा जो ये त्याग हुआ है ये तुम्हारे लिए जो है कदापि उचित नहीं। माता जो है कभी कुमाता नहीं होती, माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता है और मेरा जो परित्याग हुआ जो बीच में ये आपके लिए उचित नहीं, क्योंकि कुपुत्र जात कुछ कुमाता न भवती पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं होती। जो समय की बात है, जिस समय शंकराचार्य कश्मीर में ज्ञान का ढंग का बजाते हुए उपदेश कर रहे थे, उस समय शंकराचार्य जी शक्ति का खंडन किया करते थे, शक्ति को नहीं मानते थे, कहते कि ये भगवती माँ जगजननी एक नारी का रूप धारण करके, स्त्री का रूप धारण करके शंकराचार्य के पास गए और जाकर के जो है उनको भोजन का निमंत्रण दिया कि कल मेरे यहाँ भोजन का निमंत्रण आपको मैं देने के लिए आई हूँ, आप कल भोजन जो है मेरे पास करेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि ठीक है, मैं मुझे निमंत्रण स्वीकार है, मैं आऊंगा। रात्रि को स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया, पास में जल पड़ा हुआ था, वह भी पीने में असमर्थ हो गए। दूसरे दिन भोजन का समय हुआ, शंकराचार्य जी पहुंचे नहीं, तब जो है माँ जो है पुनः उसके पास आई और रहकर के कहा कि मैंने आपको निमंत्रण कहा था, आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आप आए नहीं। शंकराचार्य ने कहा कि माँ मुझमें शक्ति नहीं थी, मैं शक्तिहीन हो गया, चलने में असमर्थ हो गया, इसलिए मैं नहीं आ सका। माँ ने कहा कि बेटा आप तो शक्ति का खंडन करते हैं, आप तो शक्ति को मानते नहीं, ये माँ बेटे की आमने सामने की बात है शंकराचार्य और माँ भगवती की। उस समय उन्होंने जो स्तुति जो है माँ भगवती की थी, माँ से प्रार्थना की थी, ये जो मेरा जो परित्याग हुआ था ये आपके लिए उचित नहीं कि माँ इस प्रकार से मेरे जैसा चपल कोई चंचल बिरला ही होगा, जो तो सीधे साधे पुत्र आपके इस संसार में बहुत सारे हैं, परंतु मेरा जैसा चपल और चंचल जो है जो कि बिरला होगा, फिर माँ जो मेरा जो परित्याग हुआ है इस ये आपके लिए उचित नहीं। माँ जगन मातर मात तब चरण सेवा न रचिता नभा दत्तम देवी द्रविणमपि भोजस्तव माया तथापि त्वं स्नेहं मजनिरुपमं यत्र कुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि को माता न भवति। हे माँ जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की कभी सेवा नहीं की, कभी आपका ध्यान नहीं किया, आपका स्मरण नहीं किया, ना कोई धन संपत्ति जो अर्पित की है, तथा भी मुझ जैसे अधम पर जो है जो तुम्हारा अनुपम स्नेह है, जो आपने जो मुझ पर कृपा की है इस अधम पर, इस पापी पर जो है आपने जो कृपा की है कि जिस संसार में कहते हैं कुपुत्र जो है ये पैदा हो सकता है, परंतु माँ जो है कभी कुमाता नहीं होती,
मुझ अधम पर मुझ पापी पर आपने जो इतनी कृपा की है, और इस प्रकार से मैंने कभी आपकी सेवा नहीं की, आपका ध्यान किया, आपका स्मरण किया, क्योंकि माँ परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया माया पंचाशीत अधिकम अपनीत तो भयसी इदानीं च मातुः तव यदि कृपा न विभवित निरालम्भो लम्भो धर जननी कंजामि शरण। ये माता गणेश को जन्म देने वाली माँ पार्वती, माँ परम्भा, माँ जगदम्बा, अन्य देवताओं की आराधना अर्चना करते हुए जो है, नाना प्रकार की उनकी सेवा करते हुए जो है, मैं जो है इस पर इतना व्यस्त रहा कि 85 साल की उम्र मेरी बीत गई। मैं 85 माया पंचासी थे अधिक मैं अपने तो भय सी 85 वर्ष भी अधिक मेरी अवस्था हो चुकी है, और इस अवस्था में आकर के अब मैं सब देवताओं की आराधना अर्चना सब छोड़ दी है। अब माँ मैं तेरी शरण में हूँ, हे माँ यदि इस समय आप भी मुझे शरण नहीं देंगी तो बतलाइए मैं किसकी शरण में जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। हे माँ मुझ पर जो है कृपा करो कि माँ पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कभी कमाता नहीं होती, कि हे माँ आपकी जिन पर कृपा हो जाती है वह संसार में यशस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और इस प्रकार से संसार में उनका जश, उनका मान, उनकी कीर्ति जो बढ़ती है और उनकी कीर्ति अटल बनी रहती है। चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदवे भवानी तत्पानी ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। चिता भस्मा लेपो घरल मसणम धिकपट धरो, कि जिसने जो है अपने शरीर पर चिता की भस्म जो है लपेटे हुए लगाए हुए हैं, ऐसे घरल मसणम धिकपट धरो जिनका भोजन क्या है विष विषपान करते हैं, ऐसे दिक्पट धरो और नंग दड़ंग है, नग्न है, दिशा है जिनके वस्त्र हैं, ऐसे जटाधारी बहुत बड़ी बड़ी जो है जटाधारण किए हुए कंठे भुजक पतिहारी और गले में जो सांपों के हार जो है वे डाले हुए हैं, लोग तो फूलों के हार डालते हैं, और वह ऐसा है जिसने बड़े बड़े नाग जो हैं, सांप जो हैं, वह गले में हार के रूप में जो है वह धारण किए हुए हैं, भुजक पति हारी पशुपति और पशु के जो स्वामी है, ऐसे कपाली भूतेशो कपाली भिक्षा पात्र जिनके हाथ में शोभा पा रहा है, ऐसे वे हैं भूतेशो जो भूतों के स्वामी हैं, भजती जगदीशी जगदीशी के पदवी, ऐसे जो हैं वह संसार में जो है उनको जगदीश की पदवी जो है वह जगत के ईश हुए, वह इस प्रकार से ऐसी पदवी सबसे उच्च पदवी जो उनको प्राप्त हुई, ये सब कैसे हुआ। भवानी तत्पानी ग्रहण परिपाटी फलमिदम, हे भवानी तुम्हारे साथ उनका विवाह हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, तो उनका जो इतना महत्व जो था वह बढ़ गया, वह देव जो है महादेव हो गए। बोलो सच्चे दरबार, ऐसे जो है देवता जो है अब जो है इस प्रकार से जब उन पर ऐसी कृपा करते हैं, जो नंग दड़ंग रहते हुए शमशान घाट पर निवास करते हैं, उन पर आपकी ऐसी कृपा होगी, उनका इतना महत्व बढ़ गया कि संसार में जगदीश कहलाए, और सभी लोग जो उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वह पूजित हो गए कैसे आपकी कृपा से, ये सब आपकी कृपा का फल है। हे माँ मेरी आपसे एक करवत प्रार्थना है, और सभी को ये प्रार्थना जो है माँ से करनी चाहिए। शंकराचार्य ने जो प्रार्थना उस समय माँ से की थी कि माँ नमोक्षस्याकांक्षा भव विभवाच्छापि जनमे नवे ज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्तं संजाचे जननि जननं जातु मम मे मृढानि रुद्राणि शिव शिव भवानि इति जपतः। कि भगवती माँ कि मुझे कोई मोक्ष की इच्छा नहीं है, कि मैं आपसे मोक्ष मांगू कि मुझे मुक्ति मिल जाए, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है।
संसार के वैभव की जो है मुझे इच्छा नहीं, सब प्रकार के भोग जो है और इस प्रकार धन संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए ऐसे भी नहीं, और ना मैं विज्ञान चाहता हूँ, विज्ञान की मुझे जो है अपेक्षा जो है जी नहीं है, और ना ही सुख की आकांक्षा है, मैं सुख भी नहीं चाहता कि मैं बहुत सुखी हो जाऊं, ऐसा भी नहीं है। अतः जब चाहते कुछ नहीं फिर चाहते क्या हो, तो माँ से वह प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि माँ कि मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, अतस्तान संजाचे जननी जन्म जातो मम भे मृडानी रुद्राणी शिव शोभवाणी इति जपतः। मेरा जीवन जो है जी मृडानी रुद्राणी शिव शोभवाणी इति जपतः नामों का जप करते हुए मेरा जीवन बीते, अर्थात मेरी जिब्बा पर सदा सर्वदा जो है आपका नाम रहे और आपके नाम का जप करते हुए मेरा जीवन बीते, बस एक आपके सिवा एक मैं और एक आप, मैं आपका हूँ। इस प्रकार मैं आपके शरणक धोकर के यही प्रार्थना यही जांचना करता हूँ कि माँ मेरे जिब्बा पर हमेशा आपका नाम रहे, आपके चरणों की अविचल भक्ति जो है वह मुझे प्राप्त हो, आपकी भक्ति करता हूँ मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार शंकराचार्य माँ की स्तुति करते माँ से प्रार्थना की थी, क्योंकि जग जननी जगत माता की जिन पर कृपा हो जाती है वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, और शंकराचार्य ने माँ की प्रार्थना की और माँ के शरणक धोकर के माँ की साधना की वह परम कल्याण को प्राप्त हुए, और जहाँ तक माँ जगजननी का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था। तो इसलिए भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से जो माँ के शरणक धोकर के माँ की साधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, उनकी उन भक्तों की समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है, और माँ की कृपा से इस लोक में सब सुखों का भोग करते हुए अंत में उनका परलोक भी कल्याण हो जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपुर से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्त से कीर्तन से सहयोग देना से मिलकर बोलना ताली जाते हैं श्री जयपुर जी। जयकारा पर मुझसे मेरी मान रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी मान रूठे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, रूठे पर मुझसे मेरी मान रूठे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है, अपनी ये नाव चलाई है, एक
तेरे भरोसे पर मैंने, मुल्क तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है, वो अपनी ये नाव चलाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, मेरी नाव ने मंजिल पाई है। आंखों से तेरे मेरी पतवार न छूटे, हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे, हर जियों में जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, आज रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, 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 जियों में जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जियों में जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जियों में जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। जब जब भी ठोकर खा कर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ, चलते चलते गिर जाता हूँ, जब जब भी ठोकर खा कर मैं, जब जब भी ठोकर खा कर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ, चलते चलते गिर जाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ, उस वक्त भी अपने पास मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ, उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ, उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ, मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे, और तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार, हर जियो में जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, आज रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, आज रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, जियो में जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, हर जियो में जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, हर जियो में जब तक माँ तेरा दरबार छूटे, जय जय मामा, जय जय मामा, मेरी मामा, जय जय मामा, हो जय जय मामा, जय जय मामा, मेरी मामा, जय जय मामा, जय जय मामा।
देख तमन्ना जीवन की, हर जन्म में तेरा साथ मिले, हर जन्म में तेरा साथ मिले, बस एक तमन्ना जीवन की, बस एक तमन्ना जीवन की, हर जन्म में तेरा साथ मिले, हर जन्म में तेरा साथ मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा, कर मैया तेरा एक प्यार मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा, कर मैया तेरा एक प्यार मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा, कर मैया तेरा एक प्यार मिले, हर हाल में मैं खुश रह लूंगा, कर मैया तेरा एक प्यार मिले, कर मैया तेरा एक प्यार मिले। माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लूटे, ओ माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लूटे, पर मुझसे मेरी माँ न रुके, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, 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 माँ तेरा दरबार न छूटे। जयकारा शेरावाली जय, बोल सच्चे दरबार की जय, जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय, तेरा होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, तेरा होवे सच्चा प्यार मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, तेरा होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, तेरा होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, तेरी जुड़े तार से तार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, जुड़े तार से तार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, जो तू भजन करे दिन राती माँ अम्बे बन जाएगी साथी, जो तू भजन दिन राती बारंबे बन जाएगी साथी, अनन्या चिंतयंत माम ये जना परि उपासते, तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो तू भजन करे दिन राती भजन करे दिन राती पायंबे बन जाएगी साथी, तेरा हो जाए तेरा हो जाए बेड़ा पार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, तेरा हो जाए बेड़ा पार क्यों ना मिलेगी मैया।
सच्चा प्यार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। तेरा हो वे सच्चा प्यार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, मौके प्रीत लगा ले, दुनिया से तू मन को हटा ले, चरणों में मौके प्रीत लगा ले, दुनिया से तू मन को हटा ले, चरणों में मौके प्रीत लगा ले, दुनिया से तू मन तू मन से जाओ, तू मन से तज हंकार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। तू मन से तज हंकार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। तेरा होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। योगी जाके भोगी सोवे, भक्त मैया के प्रेम में रोवे, योगी जागे भोगी सोवे, भक्त मैया के प्रेम में रोवे। यानिशा सर्वभूतानां सत्यं जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि यानिशा पश्यतो। योगी जागे भोगी सोवे, भक्त मैया के प्रेम में रोवे, ओ योगी जागे भोगी सोवे, भक्त मैया के प्रेम में रोवे। हो भजन ही जाओ, हो भजन ही जीवन सार क्यों ना मिलेगी मैया, भजन ही जीवन सार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। तेरा होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। तेरा होवे क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। तेरी जुड़े तार से तार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। मैया होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया।
ਸਹਾਈ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੋਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਦੀਏ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਦੀਏ ਹਾਂ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਦੀਏ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਦੀਏ ਉਹ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਦੀਏ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਦੀਏ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕੇ ਮੰਦੇ ਹਾਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕੇ ਮੰਦੇ ਹਾਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕੇ ਮੰਦੇ ਹਾਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕੇ ਮੰਦੇ ਹਾਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਹਾਂ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਈਆ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈਏ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਈਆ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਈਆ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਤੇ ਆਪੇ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਏ 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 ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੱਕ ਮੰਦੇ ਹਾਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਚੰਗੇ ਹੱਕ ਮੰਦੇ ਹਾਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇੱਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇੱਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇੱਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇੱਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਲੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕੇ ਮੰਦੇ ਹਾਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕੇ ਮੰਦੇ ਹਾਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਮ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਮ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਮ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਮ ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਚ ਪਾਇਆ ਈ ਪਰਦਾ ਚ ਪਾਇਆ ਈ ਤੇ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ
पर दज पाया ही ते पाई रखी दातिए ओ चंगे आके मंदे हानी भाई रखी दातिए ओ लकियां ने मौज लगाई रखी दातिए ओ नाम तेरा लैंदा रावां सुबह ते शाम मैं 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 ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਸ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਈ ਦਾਸ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਦਾਸ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਚਰਨੀ ਜੇ ਲਗਾਇਆ ਈ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਚਰਨੀ ਜੇ ਲਗਾਇਆ ਈ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਾਕੇ ਮੰਦੇ ਆਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਚੰਗੇ ਹਾਕੇ ਮੰਦੇ ਆਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਾਕੇ ਮੰਦੇ ਆਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਚੰਗੇ ਹਾਕੇ ਮੰਦੇ ਆਨੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਗਦੰਬੇ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਗਦੰਬੇ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਗਦੰਬੇ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਗਦੰਬੇ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਹਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੁਖ ਹਰਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੁਖ ਹਰਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੁਖ ਹਰਨੀ ਕਾ ਹੋ ਜੈਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੈਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੈਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਭੁੱਖ ਜੈਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਈਆ ਕੋ ਰਿਝਾਣੇ 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 ਕੇ ਲੀਏ ਹੋ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਈਆ ਕੋ ਰਿਝਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੋ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਈਆ ਕੋ ਰਿਝਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਆਰੋੜਾ ਸਿਧਾਂਸ ਭ੍ਰਮਤ ਜਗਣੇ ਦਕਸ਼ਣ ਚੱਕ ਸੋਤਰ ਬਾਮੇ ਹਸਤ ਦਿਭਿਆਂ ਭ੍ਰ ਕਣਕਮਯਮ ਪੁਸਤਕਮ ਜਾਨਗਮਯ
सभी नाम हृदयंत स्वाकर कर जपे शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडंत दिव्य रूप कर कमल धरा भारत सुप्रसन्न सचिन ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज 26 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज तृतीय तिथि ही सोमवार तदनुसार 8 अप्रैल सन 2019 के दिन प्रातः काल आर्थिक समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतः वसंतिक नवरात्र के तृतीय नवरात्र के अवसर पर माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञा भान भव भूर्भुवत करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्व दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देयस्त शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात शुभमानम हियते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर बोले सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे समृद्ध से बोला ताली जाते ही ओम जय ओम जय गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निज दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी को मृग मद को हो ज्वल से दो नैना चंद्र बदन जी को ओम जय अम्बे गौरी रक्तांबर राजे मोदी
जगत ज्योति ओम जय शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत नाल मृदंगा और बाजत गबरू ओम जय संपति करता ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया वर मुद्राधारी मन वाचित फल पावत सेवत नर नारी ओम अगर कपुर श्री माल के तुम राज ज्योति रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मनवांछित बल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी जी गणेश हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सचिन जत माता देवी सदा शब्द मनोर्थ पूर्ण कर्ण भले माता देवी सदा जय सबको सद्बुद्धि देन वाले माता देवी सदा जय सच धर की तो बोलिए या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य
नमस्तस्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः माता की जय विष्णु माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय दरबार की जय। तब मैं निवेदन कर रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र साहित्य शास्त्र वेद नीति शास्त्र तथा कर्मकांड के महाविद्वान राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सचंडी महायज्ञ के आचार्य प्रातस्मरणीय परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से कि वह भक्तों को आज बसंतक नवरात्र के तृतीय नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती चंद्रघंटा का महत्व बतलाते हुए अपने आशीर्वचनों द्वारा भक्तजनों को आप्यायित करें परम श्रद्धा परम पूज्य गुरु जी। ब्रह्मा येन कुलाल वन्नियमित ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनंकारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। समादरणीय श्राइन बोर्ड के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव श्री विवेक वर्मा जी, यहाँ के प्रशासक एवं यज्ञ के प्रधान यजमान श्री नरेश कुमार शर्मा जी सपत्नीक, सभी विद्वज्जन, श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण, भारतवर्ष के विविध प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, आज तृतीय नवरात्र के अवसर पर चंद्रघंटा के दर्शन के समय आप सबका इस सिद्ध पीठ पर स्वागत एवं आप सबका अभिनंदन। भगवती माँ के जो नौ रूप हैं उनमें आप तृतीय रूप का दर्शन कर रहे हैं आज चंद्रघंटा का। भगवती को भगवती क्यों कहते हैं उसके लिए कहा है भगवती और भगवान दोनों शब्द प्रायः समान समान हैं, एक पुरुषवाचक है एक स्त्रीवाचक है। उसमें कहा है कि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिं गतिः वेति विद्याम विद्याञ्च सवाच्यो भगवान इति। जो संसार की उत्पत्ति को जानते हैं, जो उसकी प्रलय को जानते हैं कब प्रलय हुई होनी है, भूतानाम अगतिं गतिः जितने भी भूत प्राणी हैं ये कब कहां से आए, कहां इनको जाना है, क्या इनकी गति है, वेति विद्याम अविद्याञ्च जो विद्या को जानते हैं जो अविद्या को जानते हैं, जो ज्ञान को जानते हैं जो अज्ञान को भी जानते हैं,
सवाच्यो भगवान इति, वही उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवती कहते हैं। भग शब्द का अर्थ जो है शास्त्र में कहा है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रेया वैराग्यस्य च सत्यस्य चंद्राम भग इति यते। छह बातों को भग शब्द से कहा जाता है। उसमें कहा कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जितने भी ऐश्वर्य हैं और जितने भी ऐश्वर्यदायक जो बातें हैं वो सारी की सारी भग शब्द से कही जाती हैं। धर्मस्य, जो भी धर्म की विधि है, जो भी धर्म के प्रकार हैं, जो भी धर्म हैं और जो धर्म की सत्ता है, और जश और श्री और वैराग्य और सत्य, इसको जो जानते हैं, इसको स्थापित करने वाली जो है वो भगवती है और भग शब्द से कही जाती है। ऐसी भगवती जो सब कुछ जानती है, जो अंतर्जामी है, ऐसे भगवान जो अंतर्जामी हैं, और इसीलिए हम उनको भगवान कहते हैं, इसीलिए हम माँ को भगवती कहते हैं। ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली यही भगवती है। आज आप भगवती के तीसरे रूप का दर्शन कर रहे हैं, चंद्र घंटा का। घंटे के समान अर्धचंद्र जिनके मस्तक में विद्यमान है, घंटे के आकार का चंद्र जो है अर्धचंद्र जिनके मस्तक में विद्यमान है, इसीलिए इनको चंद्र घंटा कहते हैं। और चंद्र घंटा का स्वरूप बड़ा सौम्य और बहुत दिव्य और बहुत दर्शनीय है। ये 10 भुजा वाली हैं, सिंह वाहिनी हैं, और इनके दर्शन से सब प्रकार के रोग शोक और कलह दूर होते हैं। इनके घंटे के निनाद से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस क्षण मात्र में वो भाग जाते हैं। जो साधक प्रथम नवरात्र से अहर्निश लगातार भगवती के ध्यान में अपने तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनकी तपस्या परिपक्व होने जा रही है, लेकिन किसी काम की परिपक्वता में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं भी आती हैं, जो उस तपस्या में कई प्रकार की बाधाएं भी देती हैं। बहुत भक्त के लिए, साधक के लिए, उपासक के लिए ये बहुत बड़ी सावधानी का समय है। और जो भक्त हैं इसके, उनके उनको स्वयं एक अलौकिक सुगंधियों का अनुभव होने लग पड़ता है। अलौकिक ध्वनियां, आवाजें जो है वो उनको सुनाई देती हैं। और इस प्रकार के भक्त, चंद्र घंटा के भक्त जिस जगह पर भी जाते हैं, जिस जगह पर भी होते हैं, दूसरे लोगों को शांति और सौमनस्यता की प्रतीति होने लग पड़ती है। ऐसी भगवती मां का आशीर्वाद आप सबको मिले, और आप सभी भगवती चंद्र घंटा के आशीर्वाद को प्राप्त करें। सबसे बड़ा इस तृतीय स्वरूप के दर्शन का एकमात्र तात्पर्य जो है वो क्या है कि इनके उपासक वो सौम्य होते हैं और सब प्रकार की शुभ बातें उनमें आती हैं, और अनेक प्रकार के कष्टों को दूर भगा करके अपनी उन्नति की ओर प्रयासशील होते हैं। आप जानते हैं कि भगवती की उपासना के लिए जितने मंत्र, जितनी जो एक अपनी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सप्तशती में कहे गए हैं, उनका आप सभी जप भी करते होंगे, पाठ भी करते होंगे। उनमें से एक मंत्र जो आतंक को दूर करने वाला है, जो इतिये हैं, इति क्या होती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभ, मूषक, खग और राजाओं का अव्यवस्थित होना, ये सब प्रकार की इतियों को समाप्त करने वाला इस भगवती का स्वरूप है। उसके लिए कहा है यस्या प्रभावमतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तु बलम बलंच सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शोभयस्य मतिं करोतु। यस्या प्रभावमतुलम भगवान अनंतो, जिसका अतुल, जो तोलने के योग्य नहीं है, जो तोलने के योग्य, इतना प्रभाव
जिसकी इज्जतता का कोई परिमाण नहीं, और इसके प्रभाव को ब्रह्मा और शंकर और शेषनाग ये भी जिसके प्रभाव को नहीं जान पाते। सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय, वह चंडिका भगवती, वह वैष्णवी, वह चंद्रघंटा संपूर्ण जगत के परिपालन के लिए अपना मन बनाए और नाशाय चा भुज अशुभ मय से मतें करो तू, जो अशुभ हैं, जो भय हैं, उन भयों को नाश करने के लिए, और जो शुभ हैं उनको संकल्पों को, उन शुभ संकल्पों को उन्नत करने के लिए अपना विचार बनाए और अपनी मति बनाए। भगवती के सप्तशती में कई प्रकार की आराधनाएं, कई प्रकार के मंत्र कहे हैं। उन मंत्रों में एक मंत्र है, बच्चों को यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई बाधा उनमें आ जाए, कोई नजर इत्यादि दोष हो जाए, तो उसके लिए कहा है बाल ग्रह विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे जननाम मैत्रीकरणमुत्तमम। बालों को यदि किसी प्रकार की भूत बाधाएं, नजर इत्यादि दोष भी हो जाते हैं, बालानाम शांतिकारकम, यह जो है ये चरित्र जो है और ये जो मंत्र जो है ये बालकों के शांति के लिए है। संघात भेदे जननाम, समाज में या परिवार में लोगों की यदि आपस में कोई किसी प्रकार की फूट पड़ी हुई हो तो मैत्रीकरणम उत्तमम, और संघात में मैत्री करने वाला यह श्लोक है, यह मंत्र है। आपस में जो किसी प्रकार की कोई फूट पड़ जाती है समाज में, देश में या परिवार में, तो इस प्रकार का यह मंत्र जो है ये उस शांति को देने वाला है और सौमनस्यता को देने वाला, मैत्री को करवाने वाला है। दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानिकरम परम रक्षो भूत पिशाचानाम पठना देवनाशनम। दुर्वृत्तानाम शेषाणाम, जितने भी दुर्वृत्त हैं उनको इसके पढ़ने मात्र से ही उनका नाश हो जाता है। दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानिकरम परम, और उनकी जो जो एक अव्यवस्थित शक्तियां हैं जो किसी प्रकार की आतंक मचाती रहती हैं, वो इस प्रकार की उनके बल को, उनकी ताकत को नाश करने वाली चरित्र है। रक्षो भूत पिशाचानाम पठनादेव नाशनम, इसके पठन मात्र से ही राक्षसों का, भूत का, इस प्रकार की बाधाओं का वो शमन होता है। इस समय भगवती वैष्णवी पूरे जगत के कल्याण के लिए विचार करें और हम सभी लोग श्राइन बोर्ड के माध्यम से हमारे परमादरणीय सम्माननीय राज्यपाल जी के आदेश से, चीफ एग्जीक्यूटिव महोदय के आदेश से, यह विश्व कल्याण के लिए एक शतचंडी यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में विविध प्रकार के मंत्रों का पाठ, संपूर्ण पाठ और संसार की सब प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए पाठ हो रहे हैं, जप और हवन जो है वो किए जा रहे हैं, होमात्मक ये शतचंडी यज्ञ है। और इस यज्ञ के माध्यम से हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं उन सब का कल्याण हो, विश्व में होने वाले जो अरिष्ट हैं वो सब प्रकार के अरिष्ट जो हैं वो दूर हों, और आप सबके अनुदान से, आप सबकी प्रार्थनाओं से, आप सबकी श्रद्धा से जो जहां पर भेंटाएं दी हैं वो आप सबकी प्रसन्नता के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए यह श्राइन बोर्ड अहर्निश प्रयत्नशील है और अहर्निश प्रयत्नशील रहा है और आगे भी रहेगा। और इसके लिए सर्वप्रथम भगवती की उपासना, भगवती की महिमा, और उसके साथ दूसरे स्थान पर जो आने वाले हमारे यात्री हैं, मां के भक्त हैं, उन सब के लिए सब प्रकार की सुविधाएं देना है। इस आरती के अवसर पर, प्रातःकालीन की जो आरती है, इस आरती के अवसर पर आप यहां पर सभी उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के ऐसा दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पुजारी जी थोड़े ही समय में अब आरती करने वाले हैं और आरती में आप दिव्य आनंद का अनुभव लेंगे। लेकिन आरती हम बार बार क्यों करते हैं, मैं बार बार भी आपसे कहता हूं और सभी को यही मालूम होना चाहिए कि यहां पर जो आरती की जाती है, आरती में पांच बातें हम करते हैं। एक तो सबसे पहले तो ये अखंड दीप जहां पर चल रहे हैं, अंदर भी माता के पास गुफा में दीप चल रहा है, तो दीपक का जो जहां पर अखंड दीप का प्रज्वलित होना ये दर्शाता है कि आप सबकी उन्नति के लिए कामनाएं की जा रही हैं। जैसे ही बोर्ध गति राजन
जथेवोर्ध्वगति नित्या राजन् दीपशिखा शोभा दीप धातुस्तथेवोर्ध्वम् गतिर्भवतु शोभना। जिस प्रकार की दीपक की जो लो जो है, दीपक की रोशनी जो है वो हमेशा उन्नत होती है, ऊपर की ओर जाती है, इसी प्रकार आपकी सबकी सब प्रकार की जो भाव अच्छे भाव हैं वो सारे के सारे उन्नतशील हों, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करें। और इसी के साथ साथ हम कई बार कहते आए हैं कि जो ज्योति है, ज्योति स्वरूप दुर्गा का पूजन करना, ज्योतिष को एक दुर्गा भगवती का स्वरूप समझना और उसके बाद उसकी आराधना करना आपके सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बात है। उसके साथ साथ आप मैं कई बार कह चुका हूं कि कन्याओं का पूजन किया जाता है। हम यज्ञ में कन्या का पूजन करते हैं, पुजारी जी अभी कन्या का पूजन करने जा रहे हैं। और इन कन्याओं का पूजन करने का मतलब क्या है? कन्या को हम भगवती दुर्गा समझते हैं, कन्या को हम भगवती वैष्णवी समझते हैं और उस वैष्णवी को समझ करके हम उसकी पूजा करते हैं। और यदि इस कन्या का पूजन हम यदि कर रहे हैं, बड़े होने पर यदि इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आए तो उस विपत्ति को दूर करना भी हमारा दायित्व बनता है। और हम जो जहाँ पर एक प्रचलित बात है कि भाई पुत्र के लिए सभी कामनाएं की जा रही हैं और कन्याओं के लिए ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जिस कन्या के लिए हम इतना एक प्रार्थना करते हैं और जिस कन्या के आगे प्रार्थना करते हैं मान समय कर करके, उन कन्याओं का अपमान क्यों है? स्त्रीत्व शक्ति, मातृत्व शक्ति, मातृशक्ति जो है उसका अपमान कभी नहीं होना चाहिए। मातृशक्ति का हमेशा हर समय समादर होना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। यत्र नारियः सपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है, जिस जगह पर स्त्रियों के अधिकार की रक्षा होती है, जिस जगह पर स्त्रियों पर आने वाले जो भय हैं वो भय दूर होते हैं, दूर किए जाते हैं, उस स्थान पर सब प्रकार के देवी देवता जो है वो निवास करते हैं। अब आप समझते हैं कि हम इतनी बड़ी शक्ति के पास जहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आए हैं, ये शक्ति कभी नहीं चाहती कि संसार के लोग जो हैं वो आपस में लड़े भिड़े, संसार के लोग जो हैं वो परस्पर द्वेष करते रहें, घृणा भाव से एक दूसरे को देखते रहे। माँ हमेशा चाहती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो हर समय प्रसन्न रहें, ठीक प्रकार से रहें, उसी के लिए ये सब प्रकार के कार्य जो हैं वो आप करते हैं। और माँ की आज्ञा का पालन करना, माँ की उसकी उनका सम्मान करना, ये हमारा हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है। और जो आरती जो की जा रही है, आरती में पांच चीजें वहां पर पुजारी जी करके आ रहे हैं और अभी जहां पर आपके सामने फिर ये उस बात को जहां पर दोहराया जा रहा है कि इसमें एक पांच तत्व की पूजा है। पांच तत्व हमारे शरीर में है, पांच तत्व ही पूरे संसार में है। अगर हमारे पांच तत्व हमारे बीच में ना हो हम एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकते। और संसार में यदि ये पांच तत्व जो हैं इनका संतुलन जो है वो यदि बिगड़ जाए, संतुलन जो है वो अव्यवस्थित हो जाए तो संसार का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पांच तत्व कौन है? पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और आकाश है। इन्हीं तत्वों के माध्यम से हम आरती करते हैं और आज से नहीं करोड़ों वर्षों से आरती कर रहे हैं। और इसके संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये आरती की जाती है, भगवान के सामने आरती की जाती है कि पृथ्वी जब हम नमस्तक नवाते हैं तो पृथ्वी तत्व की पूजा करते हैं, जब हम अपने हाथ पर शंखी में जल लेते हैं और कुंभारती करते हैं जल लेकर के, तो जल तत्व की पूजा करते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जल जो है वो बिल्कुल स्वच्छ रहे और जल पेय रहे, जल की अस्वच्छता रहेगी हमारा जीवन जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। उसके बाद ज्योति जला करके हम ज्योति स्वरूप दुर्गा का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और एक तेज तत्व की पूजा करते हैं, वो सूर्य का। यदि हम ये सूर्य का तेज जो है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की आतप, सूर्य की धूप जो है हम तक पहुंचने में यदि कष्ट का अनुभव करेगी या देर से पहुंचेगी या पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण से नहीं पहुंच पाएगी या कम पहुंच पाएगी तो हमारा जीवन तब भी दूर हो जाएगा। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, उसके बाद मोर पंख लेकर के या गजगा लेकर के उसको हवा करते हैं। हवा करने का तात्पर्य केवल मात्र यही है कि पूरे संसार की हवा जो है वो बिल्कुल स्वच्छ रहनी चाहिए, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए, वृक्षों का अनाप शनाप कटाव नहीं होना चाहिए, पहाड़ों का अनाप शनाप कटाव नहीं होना चाहिए, समुद्र को छोड़ने के लिए जब भगवान, हम जो कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो समुद्र में सोए हुए, समुद्र में विराजमान होते हैं लक्ष्मी के साथ, अब समुद्र का भी इतना कटाव शटाव हो गया है, भगवान विष्णु को जाने के लिए भी मेरे ख्याल में उनको कोई सोचना पड़ेगा कि वहां समुद्र को छोड़ करके वहां कहां बन जाए। इसलिए जो अव्यवस्था, जो असंतुलन, जो पर्यावरण के प्रदूषित होने से बनता है, इस प्रकार के असंतुलन को हम दूर भगाएं और इस प्रकार का असंतुलन जो है वो हम न रखें।
उसके बाद जहां पर शंख बजाते हैं, शंख का शंख की ध्वनि क्या है? आकाश है। तो शब्द गुण का महाकाशम, जो आकाश का गुण क्या क्या है कि शब्द है, और यदि मुंह के आगे स्थान नहीं होगा तो आवाज जो है वो दूसरे तक नहीं जा सकेगी, इसलिए वो आकाश की स्वच्छता, आकाश पूरा का पूरा स्वच्छ होना चाहिए। इन्हीं चारों पांचों बातों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, हमारी आरती होती है। आरती प्रक्रिया प्रातः काल पूजा और पाठ से ये आरती प्रक्रिया हम आगे चलाते हैं, उसका एकमात्र तात्पर्य यह है कि भाई पृथ्वी पर जल, तेज, वायु, आकाश हैं, पृथ्वी, ये सब इनका संरक्षण हो, इनमें पर्यावरण का कभी भी प्रदूषण जो है वो ना हो, और जिससे कि हमारा जीवन ठीक प्रकार से व्यवस्थित होकर के चलेगा। यदि इन चीजों में, इन बातों में यदि किसी प्रकार का विकार आएगा, इस प्रदूषण में किसी प्रकार की खराबी आएगी, हमारा जीवन दुर्बल हो जाएगा। मैं आप सबसे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, वो आपके माध्यम से यदि इस प्रकार की बात को कहेंगे तो माँ के दरबार से, वैष्णवी के दरबार से, माँ जगत जननी जगदम्बा के दरबार से, इस प्रकार का पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें आगे आना चाहिए, और भ्रूण हत्याएं जो हैं वो हमको बंद करनी चाहिए। केवल इस प्रकार से हम ये सोचें कि कन्या, कन्या हमारा शक्ति स्वरूप है, मातृशक्ति है, कन्या जो है वो एक देवी स्वरूप है, और इनका संरक्षण हमारे लिए हमारा दायित्व बनता है। इसलिए हम ये कहें कि भगवती ये चंद्रघंटा जो है ये हमारे लिए सब प्रकार के वरदानों को दें, और जो बातें हमारी बुद्धि में नहीं आती हैं और जिनको हम नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी बातें भगवती हमारी बुद्धि में भेजे। और या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और इस प्रकार की उस भगवती जगत जननी जगदम्बा को, वैष्णवी माता को, त्रिपुर सुंदरी को हम प्रणाम करते हैं, और उससे हम प्रार्थनाएं करते हैं कि हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और पूरे विश्व का कल्याण करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले, पुजारी जी अभी आरती करने वाले हैं, और उस आरती में चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए आनंद लीजिए, आरती का अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये प्रार्थना कीजिए। मैं एक मंत्र के माध्यम से आपको भगवती के दरबार से आशीर्वाद दूंगा, आप उस भगवती से अपने वरदान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। ओम द्रविणोदाह पिबिघति जुहोत प्रचतिष्ठत निष्ट्राद्रितोभिरिख्यत सवितात्वा सवानाग्वं सुवतामग्निर्गृहपतिनाग्वं सोमो वनस्पतीनाम बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठाय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम न तद्रक्ष्याग्वंसि न पिशाच स्तरन्ति देवान मोजः प्रथम यद्गुह्येत जो विवर्तिदाख्यायणग्वं हिरण्यग्वं सदेवे कुकृणुते दीर्घमायुः समनुखे कुकृणुते दीर्घमायुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं, आरती का आनंद लीजिए। बोल सच्चा ज्योता वाली माता, प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आज गणेश, तृतीय सुमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया नगर जो धड़गड़ी जो चरना दा जान जय। Thank you.
हरिगं चैत्र गणेशु चापवरिगां चोरं पशुं शिरां सन्दनदिं करेशिनैनां सर्वाङ्गभूषाभिधां नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यावस्तो सविदेहलोकमजो हन्तं मधुकेतवम् अक्षासरपरशं कलेशपुरुषं पदमं धनुष्कुण्डिकां भण्डं शक्तिमशिन्द्रचरमजलजं घण्टासुरावाजनं चोरं पाददुदर्शने चलते हस्ते प्रसन्नायणां सेवे सेवभजने महिमा लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् अक्षाजेतसिंहनान्तविलश शीताशदुर्याप्रभां घोरी देहसमुद्भवां विजगता आधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वती मनुमये शुम्भालिलितानि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णो भगवान् सर्वलोकैकनाथम् अर्चितं केशवं रामनारायणं यशोदाम्बुदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं शिरावचन्द्रं भजे हरे मुरारे मृगेन्द्रनारे गोविन्द गोपाल माकन्दिचोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार शांति देने वाली माता तेरी सदा गुनाह चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा युवा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा लोंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर महान हो भारतवर महान हो भारतवर महान हो हर हर महादेव बोलो बाबा शिव की जय सनातन धर्म की गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय सभी भक्तजनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जकारा शरवाली दा श्री सर्वभूतानां कामे होम श्री
ओम जय देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी सर्वदा नमः।